नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। पहले बता दूं कि आज टैगलाइन से तो आप समझ ही गए, लेकिन ज्ञान के महादेवता, ज्ञानियों के ज्ञानी योग रूप बृहस्पति की बात करेंगे। आप बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गॉल ब्लैडर, लिवर, पाचन तंत्र, थायराइड ग्रंथि, इसको कंट्रोल करने वाले करें। कुछ हद तक कहीं कहीं डायबिटिक को भी कंट्रोल करते हैं। आपके जीवन में पुत्र, पति, पैसा, शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता को कंट्रोल करने वाले गए देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है 5 नवंबर को। उसका क्या प्रभाव होगा कुंभ राशि पर, उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट टाइप करें फेसबुक पे, उससे डायरेक्ट चुने। तो फिलहाल आप देखिए, पहले बता दो कुंभ राशि वालों के 11वें घर में गोचर है और 8वें घर में कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, दूसरे घर में, दूसरा और 11वां दोनों धन के घर होते हैं। दूसरे घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, 11वें घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, 11वें ही घर में रहेंगे। निश्चित तौर पर अभूतपूर्व सफलता, ये साल नए माइलस्टोन, नई इबारत लिखेंगे आप, तरक्की से आगे बढ़ेंगे और लाभ के महासहयोग बनते दिख रहे हैं। 11वां घर होता है बड़े गेम, इच्छा का, बड़े एम्बिशन का, उस वहीं पे बैठे हैं उसके मालिक होके, तो ये सब पूरी होगी। राजनीतिक लोगों से प्रभाव पड़ेगा, उनसे आपके काम होंगे, जीवन में तरक्की निश्चित है। अब ये देख कहां खा रहे हैं, तीसरे घर को, भाई बहन पराक्रम के घर को पढ़ने जा रहा है। भाई बहनों के बीच प्रेम और पराक्रम, 7वीं दृष्टि 5वें घर में, मतलब पुत्र पे, तो पुत्र होने की पूरे योग, उसी के साथ साथ प्रेमी प्रेम का पे, तो कहीं ना कहीं बेहतरी, उच्च शिक्षा में बेहतरी गई हो। नवी दृष्टि 7वें घर को, तो खास तौर से जिन मेरी माताओं बहनों का विवाह में समस्या आ रही थी खत्म होगी, जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह हो जाएगा, तो हर तरह से ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। जय जय है। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की, व्यवसाय की। तो कैरियर और व्यवसाय की बात करें, निश्चित तौर पर लाभ, जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे 10 गुनी ज्यादा सफलता मिलेगी इस साल। बस मेहनत बरकरार रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्मठता प्रधान ग्रह हैं। बृहस्पति और शनि ही दो ऐसे ग्रह हैं जो कर्मठता बहुत पसंद करते हैं। आदमी जब मेहनत करता है तभी कुछ देते हैं, आसानी से नहीं देते हैं। जैसे शुक्र हैं, चंद्र हैं, ये प्लेट पे सजा के दे देते हैं कि ऐसा देते हैं, प्लेट पे सजा हुई चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बृहस्पति शनि हमेशा ही मेहनत के बाद देते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करते रहिएगा। 11वें घर का गोचर जबरदस्त नौकरी में तरक्की लेके आ रहा है, विदेशों से लाभ होगा, आपका इस बार पदोन्नति होने वाली है। खासतौर से नवंबर से लेके मार्च तक के बीच पदोन्नति होगी, या कहीं और नौकरी ज्वाइन करेंगे जो कि बहुत लाभकारी होगी। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपका प्रभाव बढ़ेगा, जीवन में तरक्की करेंगे। तो नौकरी व्यवसाय की कोई समस्या नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब बात कर लेते हैं धन की। के ही घर में 11वें घर में, दूसरे के भी स्वामी होके 11वें में, क्या कहने, हर तरह से लाभ ही लाभ, निश्चित तौर पर सफलता, पैसे का बहुत बड़ा लाभ। 11वें घर में होने की वजह से हर तरह से पैसा, रुपये का लाभ मिलने जा रहा है, बड़े गेंस होने जा रहे हैं, पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने जा रहा है, और बड़े चंक में अगले एक साल तक बड़े चंक में लाभ होगा, जीवन में तरक्की होगी। धन से रिलेटेड कोई भी समस्या जो चली आ रही थी खत्म होगी, पुराना धन मिलेगा, कर्जे खत्म होंगे, जिसने उन कर्जा दिया था जिनको, उनका धन वापस आएगा, व्यापार में कोई बड़ी डील साइन होगी जिससे धन वर्षा होगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए जय जय है धन के मामले में। अब बात करें घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन की। यहाँ पे भी संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि खासतौर से 5वां और 7वां घर, 5वां घर रंगों का, 7वां घर शादी का, देव गुरु बृहस्पति दोनों घरों को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर लाभ दे रहे हैं। घरेलू जीवन बेहतर होगा, क्लेश खत्म होंगे, आपसी जो मनमुटाव चला आ रहा था पिछले कुछ टाइम से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच, वैवाहिक जोड़ों के बीच, वो खत्म होने जा रहा है। सिर्फ स्त्रियों की सलाह रहेगी, पूरे साल बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ का विष्णु जी से भोग लगाएं, ये छोटा सा काम करते रहिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर आप भाग्यशाली हैं, लाभ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं रहेगी, जीवन आसानी से आगे चलेगा। बस थोड़ा सा मांस मदरा से दूर रहिएगा, क्योंकि आपका जो सामाजिक स्तर है बड़ा बढ़ा चढ़ा होगा, खूब पार्टियों में जाएंगे, और हो सकता है पार्टियों में भूल बस आप इनका सेवन कर लें, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, जितना उतना स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ दर्द की समस्या, जोड़ों की समस्या हो सकती है इस साल, उस पर अगर ऐसी कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा।
बाकी स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखता है, इस गोचर वश आपको लाभ की पूरी संभावना है, जैसा कि मैंने बताया जीवन बेहतर रहेगा। तो फिलहाल मुझे इजाजत, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसी के साथ प्ले स्टोर में तक नाम का हमारा ऐप करिए और वहां हमसे डायरेक्ट जुड़िए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।